नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब विन आई एस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है आज जो हम अपने कंप्यूटर का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यदि एम के नए सिलेबस की बात करें तो ये जो आपका कंप्यूटर का टॉपिक है ये पेपर थ्री के यूनिट फोर में दिया गया है जिसमें अभी तक हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इनके आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक बाई टॉपिक लेके चलेंगे कंप्यूटर जनरेशन्स की यदि हम बात करें जनरेशन इन अ कंप्यूटर इज़ बेसिकली अ चेंज इन टेक्नोलॉजी जनरेशन्स रिफर्स टू अ चेंज इन टेक्नोलॉजी इनिशियली देंरेशन टर्म्स वॉज यूज टू डिस्टिंगविश बिटवीन वरिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजी शुरुआत में यदि हम बात करें तो जनरे जनरेशन टर्म का यूज़ जब किया जाता था जब आपके हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में चेंज आते थे लेकिन आज के समय में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में ही यदि कुछ चेंज आ रहा है तो हम बोलते हैं इट इज़ अ चेंज इन अ कंप्यूटर जनरेशन और हमारे जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं वो दोनों मिलकर ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं यदि हम बात करें टोटल कितनी कंप्यूटर्स की जनरेशन हैं तिन लाओ देर आर फाइव कंप्यूटर जनरेशन्स फर्स्ट जनरेशन पीरियड बिलोंग्स टू 1942 फोर्टी टू टू बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब बेस्ड टेक्नोलॉजी सेकेंड जनरेशन बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन इनको ही हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट जनरेशन की यदि हम बात करें द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वॉज नाइनटीन फोर्टी टू टू नाइनटीन फिफ्टी फोर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद यूजिंग वैक्यूम टेब ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर सी पी फ़र्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था और यही वैक्यूम ट्यूब बेसिक कंपोनेंट की तरह यूज़ होते थे मेमोरी और कंप्यूटर की अदर सर्किट्री के लिए दिस ट्यूब लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब अ लॉट ऑफ हीट ये ट्यूब क्या करते थे बहुत सारी हीट को प्रोड्यूस करते थे और कहा जाता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में 12000 से 15000 के आसपास वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे अब यहाँ से आपका एक प्री का क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है हमसे पूछा जा सकता है कि वैक्यूम ट्यूब बेस्ड टेक्नोलॉजी कौन सी जनरेशन में यूज़ होती थी अभी तक हमारा ये जो कंप्यूटर जनरेशन का टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था लेकिन यदि हम नए सिलेबस की बात करें तो उन्होंने मेंस में स्पेशली मेंशन कर दिया है इसलिए ये टॉपिक मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही साथ में ये प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया है दे वर वेरी एक्सपेंसिव एंड बी कुड बी अफोर्डेड बाई वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ये जो हमारे कंप्यूटर हैं ये बहुत एक्सपेंसिव रहते थे और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ही इसको अफोर्ड कर पाते थे इनके फीचर्स की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड टेक्नोलॉजी सपोर्टेड मशीन लेवल लैंग्वेज ऑनली मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है ये सब हम आने वाले अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इनकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा रहती थी जनरेट अ लॉट ऑफ हीट स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस इनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा रहता था अब इनका साइज़ ज़्यादा है वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रहे हैं हार्डवेयर्स वगैरह काफ़ी यूज़ हो रहे हैं काफ़ी बड़े साइज़ के तो इसके कारण इनको ए की भी ज़रूरत पड़ती थी एंड दे कंज्यूम्ड आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यदि हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे एनिय एडवैक यूनिवक आई वी एम सेवन जीरो वन एंड आई वी एम सिक्स फिफ्टी ये सब जो हमारे कंप्यूटर हैं ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं तो यहाँ से भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो सकता है वो पूछ सकते हैं कि यूनिवर्क जो कंप्यूटर है और जो अदर कंप्यूटर्स ये दिए हुए हैं ये किस जनरेशन को बिलोंग करते हैं अब बात करते हैं हम सेकेंड जनरेशन की द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन वॉज नाइनटीन फिफ्टी टू टू नाइनटीन सिक्सटी फोर दिस जनरेशन यूजिंग द ट्रांजिस्टर वर चीपर कंज्यूम्ड लेस पावर मोर कॉम्पैक्ट इन साइज more reliable and faster than the first generation machine made of vacuum tube. यहाँ पे transistor का use होता था in place of a vacuum tube जो हम first generation में use कर रहे थे Transistor is the basic component which can conduct the flow of electricity. जो electric signal है उसके flow को control करता है हमारा transistor. और उन्हीं transistor का use करके हमारे second generation computer को बनाया गया था और इन्हीं transistor ने vacuum tube को replace किया था इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर्स वर यूज एज प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क एज यूज एज सेकेंडरी मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी रहती है जैसे आज के टाइम पे यदि हम बात करें तो हमारी प्राइमरी मेमोरी रैम है उस टाइम पे मैग्नेटिक कोर्स को एज अ प्राइमरी मेमोरी यूज़ किया जाता था और आज के टाइम पे जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क हुआ फ़्लॉपी डिस्क हुआ उस टाइम पे मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क यूज़ होती थी अब प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है ये ऑलरेडी हम अपने लेक्चर में कवर कर चुके हैं यदि आपको वो समझना है तो आप पीछे के लेक्चर फिर से पढ़ सकते हैं इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फॉट कोबोल वर यूज अब हमने जब फर्स्ट जनरेशन देखा था तो वहाँ पर सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज यूज़ हो रही थी यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज भी यूज़ हो रही है और कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर ट्रैंड कॉबुल भी यूज़ हो रही हैं अभी जिनको भी इसमें डाउट है कि हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज ये सब मशीन लेवल लैंग्वेज ये होता क्या है तो इसका हम एक अलग से वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे जिसमें सब क्लियर आपको हो जाएगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है अब बात करते हैं का यूज़ होता है रिलायबल एज टू फर्स्ट जनरेशन इस्मॉलर इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन साइज़ इनका भी ज़्यादा था लेकिन फर्स्ट जनरेशन से हम इनको कम्पेयर करें तो इनका साइज़ उससे कम था जनरेट लेस हीट एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ये भी हीट जनरेट करते थे बट फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी कम कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन फास्टर दैन फर्स्ट जनरेशन कम्प्यूटर अब इनकी प्रोसेसिंग पावर जो थी वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ज़्यादा थी इनको भी ए सी की ज़रूरत पड़ती थी और ये मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असम्बली लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे बल्कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था वो सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता था सम्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर आई वी एम सिक्स 7094, ट्वेंटी 1604 सी डी सी वन सिक्स जीरो फ़ोर एंड यूनीक डबल वन जीरो सेवन ये जो हैं हमारे कुछ कंप्यूटर्स ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हैं अब बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वॉज 1964 सिक्सटी फोर टू नाइनटीन सेवनटी टू द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज़ मार्ग बाई द यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स विच इज़ कॉल्ड आई अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ना तो इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ हुआ ना ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ यहाँ पे आई का यूज़ होने लगा जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं और इनका साइज़ भी काफ़ी कम होता है इसी कारण इन कंप्यूटर का साइज़ और कम धीरे धीरे होने लगा अ सिंगल आई सी हैज़ मैनी ट्रांजिस्टर्स रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स एलोंग विथ एसोसिएटेड सर्किट्री एक सिंगल आई सी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं रजिस्टर्स होते हैं कैपेसिटर्स होते हैं और उनके साथ उनकी सर्किट्री भी होती है जो पूरे एक आई सी को बना जिसके जिसके यूज दिस डेवलप मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज रिलायबल एंड एफिसियंट आई सी का आने से हमारे कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी स्मॉल हो गया कंप्यूटर काफ़ी रिलायबल हो गया और काफ़ी एफिसियंट भी हो गया इन दिस जनरेसन रिमोट प्रोसेसिंग टाइम सीअरिंग रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज और इस जनरेशन में जो हमने यहाँ पर लिखा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगे अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं ये हम अपने आने वाले वीडियो में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर रहेगा उसमें डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज फॉल्ट्रैन कोबोल पास्कल एल्गोल ये सब यूज़ होने लगी अब यदि हम बात करें थर्ड जनरेशन के फीचर्स यहाँ इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे आईसी यूज्ड होने लगी आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये बहुत रिलायबल थे इनका साइज काफी कम था लेस हीट ये कंज्यूम करते थे फास्टर थे इनका मेंटेनेंस काफी कम था स्टिल कॉस्टली ये तो भी ये कंप्यूटर कॉस्टली थे ए की जरूरत पड़ती थी कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज ये कुछ जो फीचर्स हैं ये हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स हैं आपसे क्वेश्चन पूछा जा कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर जो हैं, इनके फीचर्स बताइए सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर आईबीएम 360 सीरीज हनीवेल 6000 सीरीज पीडीपी पर्सनल डेटा प्रोसेसर एंड आईबीएम 370 ऑब्लिक 168 ये जो कुछ कंप्यूटर्स हैं इनको हम बोलते हैं ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है अब बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो पीरियड था वो था 1972 से लेके 1990 द पीरियड वाज मार्क्ड बाय द यूज़ ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन विच इज़ कॉल्ड वी एल एस आई यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का भी यूज़ नहीं हुआ यहाँ पे ट्रांजिस्टर का भी यूज़ नहीं हुआ यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट का भी यूज़ नहीं हुआ उसके आगे यहाँ पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ मतलब आईसी में ही और बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन करके हमने वी बनाया वो वी एल एस आई यहाँ पे यूज़ होने लगे उस वी एल एस आई में अराउंड फाइव थाउजेंड ट्रांजिस्टर्स रहते थे और अदर सर्किट एलिमेंट रहते थे जो इसको एक सिंगल चिप के रूप में कन्वर्ट करते थे इट इज़ पॉसिबल टू हैव माइक्रो कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकम मोर पावरफुल कॉम्पैक्ट रिलायबल एंड अफोर्डेबल अब जैसे जैसे हमारी जनरेशन बढ़ती जा रही है तो आप देखते जाइएगा कि आपकी रिलायबिलिटी बढ़ते जाएगी कॉम्पैक्टिबिलिटी बढ़ते जाएगी अफोर्डेबिलिटी बढ़ती जाएगी तो ये धीरे धीरे हमारे जनरेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा इस जनरेशन में भी टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज ठीक है अब ये क्या होता है ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे ऑल ऑल दाई सी एंड सी प्लस प्लस वर यूज द मेन फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन आर वी एल एस आई टेक्नोलॉजी यूज होती है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वेरी चीप अब अभी तक हम जो बात कर रहे थे स्टिल कॉस्टली हमने बोला था थर्ड जनरेशन में लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला वेरी चीप इसके आने के कारण वी एल एस आई के आने के कारण हमारा जो कॉस्ट था वो काफ़ी कम हो गया पोर्टेबल एंड रिलायबल पोर्टेबल मतलब हम इसको कैरी करके कहीं भी शिफ्ट कर सकते थे ईजिली हम कंप्यूटर सिस्टम को शिफ्ट कर सकते थे अरेंज कर सकते थे वेरी स्मॉल साइज साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया अब इसी की ज़रूरत हमको नहीं पड़ रही थी कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट बॉस इंट्रोड्यूस्ड। और फोर्थ जनरेशन में ही हमारे इंटरनेट का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कंप्यूटर जन कम्प्यूट इंटरनेट का इंट्रोडक्शन किस ड्यूरेशन में हुआ कौन सी जनरेशन में हुआ कंप्यूटर बिकम इजीली एवेलेबल अब आज के टाइम पे कंप्यूटर बिकम इजीली एवेलेबल मतलब कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी कॉमन पीपल तक हो गई ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क्स कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट देखे गए पाइपलाइन प्रोसेसिंग पाइपलाइन पाइपलाइन प्रोसेसिंग की मतलब है कि यदि आपका कोई एक कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो रहा है तो आपकी जो एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है वहाँ पे जो आपके ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो एट अ टाइम वहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते थे एक पाइपलाइन में कहीं एडिशन हो रहा है कहीं सब्ट्रैक्शन हो रहा है कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ये एक साथ यदि पॉसिबिलिटी थी तो वो भी हो सकता था सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर डी टेन स्टार वन थाउजेंड पी डी पी एलेवन एंड क्रे वन सुपर कंप्यूटर्स अब बात करते हैं हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज नाइनटीन नाइन्टी टिल डेट नाइनटीन नाइन्टी से जो अभी तक का पीरियड है इसको हम बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन इन दिस जनरेशन द वी एल एस आई टेक्नोलॉजी बिकेम यू एल एस आई अब वी एल एस आई जो था हमारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वो हो गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ गई रिजल्टिंग इन द प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप हैविंग टेन मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वहाँ पे फ़ाइव थाउजेंड ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे थे तो यू में हमारे टेन मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ होने लगे दिस जनरेशन इज़ बेस्ड ऑन पैरल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पैरल प्रोसेसिंग मतलब हम एक साथ मल्टीपल चीज़ों को प्रोसेस कर पा रहे थे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम अपने सिस्टम को इतना इंटेलिजेंस बनाएं कि वो ह्यूमन माइंड की तरह सोचने भी लगे ऑल दी हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट एक्स एक्सेट्रा आर यूज इन दिस जनरेशन सारी लैंग्वेजेस ये तो हमने नाम सुने ही हैं सी सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट ये सारी इस जनरेशन में यूज़ होने लगी यदि हम फीचर्स की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन के फ़ीचर्स थे डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है सेकेंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग थर्ड एडवांसमेंट इन पैरलाइन प्रोसेसिंग फोर्थ वन इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस विद मल्टी मीडिया फ़ीचर्स आज के टाइम यदि हम देखें हमारे जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें बहुत अच्छा यूज़र इंटरफेस दिया रहता है जिसको हम जी ओ आई बोलते हैं और बहुत सारे मल्टी मीडिया फ़ीचर्स भी हमको प्रोवाइड किए जा रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स एट चीपर रेट और आज के टाइम पर जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है हर कॉमन पर्सन अब कंप्यूटर को अफोर्ड कर पा रहा है और उनका कॉस्ट भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो वो है हमारा डेस्क टॉप लैपटॉप नोटबुक ये सब जो हमारे कंप्यूटर्स हैं ये फिफ्थ जनरेशन को बिलोंग करते हैं यहाँ पे हमारा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक फिनिश हुआ अगले लेक्चर में हम आने वाले टॉपिक्स को लेकर चलेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट्स कर सकते हैं उसका हम अलग से वीडियो आपको बना के दे सकते हैं और आपको जो भी कुछ डाउट है तो आप विन आई के हमारे इन फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं